सभी राजनीतिक भक्तों से अनुरोध है कि इस ऐप को अनइंस्टॉल करें, क्योंकि ये ऐप में रटी रटाई भाषा के थ्रू हमारे स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है, जो कि हम सबको गलत निर्देश देती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बस आपको केवल दिखाना चाह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन कटारिया है और मैं तीसरी बार घर से बाहर निकल रहा हूँ कहीं दूर जाने के लिए। दूर का मतलब है 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। आखिरी बार जब मैं गया था तो मैंने जो दृश्य देखा था मैं उससे चौंक गया था, और इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपनी गुड़गांव सब्जी मंडी से। ये सब्जी मंडी दूसरे नंबर पर सब्जी मंडी आती है, और इस समय यहाँ पे बड़ी मंडी से सामान आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थोड़े बहुत लोग इधर हैं, लेकिन इधर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है और मास्क नहीं पहना जा रहा है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे 8 बजे के बाद बैठती है, और पहले हल्का सा पैरा लगाती थी लेकिन उससे पहले कोई शक्ति नहीं रहती। और इधर पहले जब कोरोना नहीं था तो पहले की तरह गंदगी रह रही है, और काफ़ी लोग यहीं पे सोते हैं बिना मास्क के, बिना कोई प्रोटेक्शन के, और लोग सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि उनके पास स्वयं का घर नहीं है। तो आगे मैं इसके बाद गया सब्ज़ी मंडी। सब्जी मंडी जाने से पहले ये जो चौक आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सोना चौक। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं कि सुबह सुबह का समय है और थोड़ी बहुत चहल पहल है। जो लोग रोज़गार के लिए, अभी आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी लेकर जाते हैं मंडी की तरफ, कुछ लोग भाग रहे हैं। तो इसके बाद सीधा हम गए खांडसा मंडी। खांडसा सेक्टर 10 में 2 मंडी है, अनाज और सब्जी, और ये पूरे गुड़गांव में यहाँ से सप्लाई होती है। खांडसा मंडी पहुँचने से पहले ही मुझे काफ़ी भीड़ दिख गई थी, और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये खांडसा मंडी का मेन गेट है जो सब्जी मंडी है। यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर जाई जा रही है, क्योंकि एक स्कूल की खाली ज़मीन है जहाँ पर लोग सब्जियों का कारोबार करते हैं। अब ये जो सारे लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ शॉप ओनर्स हैं, कुछ गाड़ी लेकर आ रहे हैं, कुछ किसी की रेडिया है, और कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ियों में बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे, लेकिन कुछ लोग मजबूर भी हैं। हम इसका दोष सरकार पे नहीं डाल सकते, हम इसका दोष सरकार और खुद पे भी डालेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर शक्ति होती तो हम लोग सख्त होते, और अगर उनकी तरफ से शक्ति नहीं है तो क्योंकि हमारे देश में लोग नियम का पालन कम करते हैं, जिस वजह से आज उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मंडी सरकार सील कर दे कि हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाए और सब्जियां हमारे लिए महंगी हो जाए, लेकिन जब इतनी बड़ी ज़मीन पर कारोबार हो रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं और इतना बड़ा कारोबार है, तो प्रबंध हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा निडर होके थोड़ा अंदर गया। मैंने मास्क वगैरह पहन रखा था और मैं बार बार अपने आप को सैनिटाइज कर रहा था, और कोशिश कर रहा था कि मैं 2 बड़े कदम की दूरी बना रखूँ एज़ पर नॉर्म्स, और मैंने कोशिश भी करी। ये सब्जी ज़्यादातर रात को ही लगती है, क्योंकि सुबह बाकी सारी मंडी और दुकानों में कारोबार शुरू होता है, तो रात को लोग सब्जियाँ खरीदने आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, लोगों ने कपड़ा भी नहीं बांधा हुआ था, लोग चिपक चिपक के जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी रोटी की परवाह है, उन्हें परवाह नहीं है कि आज उन्हें कोरोना आज मारता है कल मारता है। मैं एक इंसान से मिला जिसने मुझे ये बात बोली भी कि आप इधर वीडियो इसकी अपलोड मत करना, वरना गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी। मेरी ये सरकार से अनुरोध है कि इस मंडी को बंद ना करें। अगर आपको सख्ती दिखानी है तो प्लीज़ नाइट शिफ्ट में पुलिस ऑफिसर्स को लगाएं और यहाँ पे रूल्स फॉलो करवाएं। आगे इस मंडी में काफ़ी जाम लगा। इस बीच में मैंने कई कंपनियों की बसेस देखी जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग करवाए अपने एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क स्टेशन पे ले जा रहे, जो कि मुझे नहीं लग रहा था सही आइडिया है, क्योंकि अगर मंडी का मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे लोग कानून फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें बस सब्ज़ी लेनी है और घर जाना है, लेकिन एटलीस्ट कंपनियाँ तो ये नॉर्म्स फॉलो करवा पाती हैं। आपका नाम शुभांकर। और आपकी कोई शॉप है, मंडी है? हाँ, दुकान है।
मतलब आप आपकी वेजिटेबल्स की शॉप है? हाँ। और आप कब से यहाँ पे आ रहे हो सब्जी लेने? मतलब अभी लगभग डेढ़ महीने से आ रहा हूँ। डेढ़ महीने से? तो जब से आप आ रहे हो तब से यहीं पे भीड़ लगती है? पहले तो अंदर लगती थी मंडी में खांडसा में, अब यहाँ पे एक महीने से डीएवी में आ रही है। इधर कभी कोई न्यूज़ वाले दिखाने नहीं आते कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, भीड़ क्यों, मतलब कोई सिस्टम क्यों नहीं बनता कुछ? नहीं, पहली बार ही आप आए और वैसे कोई आता नहीं है। वैसे कोई नहीं आता इधर? और कभी पुलिस वाले कंट्रोल करते? जैसे अभी मैंने एक गार्ड देखा तो। हाँ, कंट्रोल करते हैं, करते कंट्रोल जैसे गाड़ी को। हाँ, भीड़ ऐसी लगती है। अगले भाग में मैं मंडी से एग्जिट ले रहा था, उसी बीच में बारिश हो गई। इस मंडी में बीच में कोरोना हुआ था, कोरोना केस निकला था, तो 3 दिन के लिए मंडी बंद कर दी गई थी, जिस वजह से 20 रुपये के टमाटर 50 के हो गए थे। तो सब्जियों के भाव बढ़ गए थे क्योंकि मंडी में कारोबार बंद हो गया था। लेकिन अगर कारोबार इस तरीके से चलेगा तो लोगों की जानें जाएगी। और आजकल की आपको स्थिति पता ही है कि डॉक्टर्स टेस्टिंग का भी पैसा ले रहे हैं। और इसके बाद मैं आगे गया दूध के व्यापार की तरफ, जो कि लोगों का ईंधन है और लोग बिना दूध के रह नहीं पाते क्योंकि चाय ज़रूरी होती है। दूध के रिकॉर्डिंग तो मैं लॉकडाउन से देख रहा हूँ कि मेरे घर के पास भी लंबी लाइन लगती थी लोगों की, जिसमें मुश्किल से लोग एक कदम की दूरी बनाते थे, या एक बड़े कदम या एक गज की दूरी बनाते थे, जिससे कुछ फ़र्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे। इसमें सरकार की मैं कभी गलती नहीं मानूंगा इस चीज़ में, क्योंकि जब दूध की लाइन लगती है तो दूध के आसपास काफ़ी स्पेस होती है ताकि लोग आराम से खड़े रहे, भीड़ ना लगाए, लेकिन लोग भीड़ लगा रहे थे। और मंडी में भीड़ बढ़ चुकी है, और मंडी में जैसे ही भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे माहौल थोड़ा और ख़राब लगा, क्योंकि इस मंडी में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी और अब इस मंडी में स्ट्रिक्टनेस नहीं है क्योंकि अभी पुलिस नहीं है। कर्फ्यू के टाइम पे भी मुझे पुलिस नहीं दिखी, और इस समय सुबह सुबह का वक्त है जब तक पुलिस आ जानी चाहिए, लेकिन आई नहीं है। चौक पर पुलिस रहती थी, वहाँ पर भी नहीं आई है। क्योंकि मैं समय से पहले पहुँच गया तो लोगों की भीड़ कम दिख रही थी, लेकिन मेरे को दिखी। और ऑटो चलना शुरू हो गए, सवारी वाले ऑटो पूरी सवारियां भर के ले जाते बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। बैटरी वाले ऑटो बीच में एक पॉलीथिन लगा देते, लेकिन वो फिर भी 4 सवारियां बैठाते। और कुछ कुछ बैटरी वाले ऑटो पॉलीथिन नहीं लगाते, लेकिन मैंने 1-2 ऑटोज देखे थे। और ये ऑटो जो आपको दिख रहे हैं ये खांडसा की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह इस जगह पे फूलों का व्यापार शुरू होता है। कोरोना से पहले भी यहाँ पे इतनी भीड़ लगती थी, और कोरोना के बाद भी जनरली यहाँ पे जो फूलों का व्यापार है वो रात से शुरू हो जाता है, रात के 3 बजे के आसपास भीड़ लगती है, क्योंकि इस समय कोई सख्ती नहीं होती है तो ये लोग लाइन लगा के नहीं खड़े होते। तो आगे जैसे हम गए, हमने देखा कि ऑटो ऑफकोर्स बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के ले जा रहे थे, और दूध की लाइनें, दूध वाली दुकानों पे लाइन लगना शुरू हो गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम कर रहे थे क्योंकि लोगों को जल्दी जल्दी दूध लेने की चिंता थी, और चाहे वो मिडिल क्लास हो या क्या कहते हैं गरीब हो, वो दूध की लाइन में ऐसे ही लगता है। अमीरों का पता नहीं, क्योंकि जो लोग पैकेट वाला दूध लेते तो वो लाइन अवॉइड ही करते, लेकिन जनरली पैकेट वाले दूध के लिए भी इतनी ही लाइन लगती है। तो अगले भाग में मैं गया गुड़गांव के उद्योग विहार में, लेकिन उससे पहले ये गुड़गांव का एक मीट सेक्शन है जहाँ पे इधर भी भीड़ लग रही थी। तो उद्योग विहार के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग काफ़ी आते हैं। उद्योग विहार सेक्टर 45 और सेक्टर 37 में लोग आते हैं और भीड़ भाड़ से आते हैं, लेकिन उद्योग विहार बहुत बड़ा इलाका है क्योंकि वो दिल्ली बॉर्डर से कनेक्टेड है, और चूंकि मेट्रो वगैरह नहीं चल रही है और बसेस भी कम चल रही है तो लोग ऑटो में भर भर के आते हैं। उनकी भी मजबूरी है, और ऑटो वाले भी बेचारे बैठा के ले जाते हैं, लेकिन ऑटो वाले पहले भी रूल का फॉलो नहीं करते थे, जब 5 सवारी होती थी तो 8 बैठा के चलते हैं। तो इस बीच में हाईवे के थ्रू जाते हुए मैंने देखा कि भीड़ लग गई थी, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाईवे पे भी भीड़ लग चुकी है, और जहाँ पे बसेस बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बढ़े जा रहे। कंपनियों की बसेस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा रही है, और उद्योग विहार जाते जाते फिर से बारिश हो गई, तो हम पुल के नीचे रुककर हाईवे की थोड़ी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने लग गए। सुबह सुबह का समय है तो एक्टिविटीज़ कम है, इसलिए मैं निकला था ताकि दोपहर में भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सुबह इतनी भीड़ है मंडे के वक्त तो दोपहर को भी लग सकती है।
अब आप आगे जैसे मैं गया, देखा मैंने फिर से ऑटो वाले भर कर ले जा रहे थे, क्योंकि लोगों को रोज़गार के लिए जाना है, काफ़ी लोग बाहर से आके रुकते इधर, और चूंकि कंपनियां सैलरी दे रही थी काफ़ी लोगों को, तो लोग अपने गांव नहीं गए थे, घर नहीं गए थे, और अब जब अनलॉक वन हुआ है तो लोग अपने उनके खुद के वाहन नहीं हैं तो मजबूरन ऑटो में भर के जाते हैं वो लोग। तो जिस दृश्य की मैं बात कर रहा था वो यही था कि उद्योग विहार में इतनी भीड़ लग रही थी, और साइबर हब जैसे हाई प्रोफाइल और अमीर एरिया में जहाँ पे भी लोग काम करने जाते थे, मध्यम वर्ग के भी लोग काम करने जाते हैं, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं लगती, मैंने नहीं देखी वहाँ पे कोई भीड़। लेकिन यहाँ पे लोगों को भर भर के अंदर बिना लाइन लगाए ढंग से ऐसे चिपका चिपका के खड़ा करा जाता है। देखो ये भी है कि लोगों की भी एक छोटी सी गलती है, जब रोड इतनी लंबी है तो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन इधर लोगों की इतनी भीड़ लगती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाती है। मैं भी खुद 80% सोशल डिस्टेंसिंग कर पा रहा था, 20% फॉल्ट में मैं भी था। जब हमें अंत में मरना ही था तो हमें रोका क्यों? मैं सबके लिए यही दुआ करूँ कि आप लोग अगर अपना काम घर बैठ कर सकते तो करें, और अगर बाहर निकलना पड़ता है किसी मजबूरी से तो अपने आप के लिए, अपने आप को मजबूत रख कर चले, अपने लिए अपने आप को जितना हो सके स्वस्थ रखें, बाहर का कम ही खाएं और बस ज़िंदगी में आगे बस यूं ही चलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।